बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। कालीन गाह की जिम्मेदारी मिल जाने के गुरूर में मैंने बहुत सी काई कबीले की खवातीन के दिल दुखाए हैं। इंसान से खताएं हो जाती हैं और उनको माफ करने वाला अजीम होता है। अगर उससे दोस्ती खत्म की तो हम भी खत्म हो जाएंगे। अगर दोबारा तुमने उससे दोस्ती की बात की तो याद रखना, ज़बान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। बताते क्यों नहीं, क्यों खड़ा है यहाँ पर? सलजान खातून, मैं बस कर दो। तुम लोग बताओ मुझे मेरा बेटा कहाँ है। कोई भी लफ्ज, कोई भी तसल्ली उसके दिल की आग को नहीं बुझा सकती। क्या कहूंगी मैं उससे? नहीं बेटी, नहीं। पता चला कौन था वो? मंगोलों के उस पालतू ने, अलबास्ती नाम के मलहून ने किया है ये। मुझ तक पहुंचने वाली हर बात वो मुझसे पहले जानता है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो खबर को हम तक पहुंचाने के जिम्मेदार है। हमारी आने वाली नस्लों को उनकी बेहतर तरबियत के जरिए हक की राह पर चला। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर गुस्से में तुमने कोई गलती की तो कई मासूमों की जान के जिम्मेदार होगे। अब तो फरार हो चुका मैं, किसी सूरत हथियार नहीं डालूंगा। लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। अल्लाह का बनाया कोई बंदा ऐसा नहीं जो ऐसी अफसोसनाक मौत का मुस्तहिक हो। कितनी बेदर्दी से मारा, कितना जालिम था कातिल। काश के उसके हाथ टूट जाते। वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं और खुद को एक तुर्क कहता है। बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी उस अलबास्ती को। सुलेमान जज्बाती भी बहुत था,
लेकिन अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमाए। कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी, अफसोस है तुम्हारे सीने में कीना भरा हुआ है। सिरमा एक नौजवान को मार दिया गया और तुम अभी भी माजी का किस्सा लेके बैठी हुई हो। बस करो, मुझे सुकून से खाने भी नहीं दे रही। भाई कौन है ये अलबास्ती भाई? उसे इतना इख्तियार किसने दिया कि हमारी सरजमीन को खून में नहला दे? जब इस खित्ते के सरदार आला अर्तुरुल सरदार हैं, तो अलबास्ती को तलाश करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। मुझे इसमें जरा बराबर भी शक नहीं। इजाजत चाहती हूं मैं। एलबिल के उनकी जबान और उनके दिल कितने ही हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाएं, मगर उसके जनाजे में हम जरूर शिरकत करेंगे। दीन भी यही कहता है और रिवायात भी, कबीले के सरदार का फर्ज बनता है ये। खाना खाइए आप लोग। हौसला करें भाभी, सुलेमान बहादुर नौजवान था, उसने हक के लिए कोशिश की और उसकी जंग मुकद्दस जंग थी। सुलेमान दुश्मनों को राज न देने की वजह से शहीद हुआ। वो अलबास्ती नामी मलून सुलेमान से कुछ हासिल न कर सका, इसलिए इस पर तशद्दुद किया और इसे शहीद कर दिया। इसके जिस्म पर चलने के निशानात इसी वजह से है ना भाई? मैं हिफाजत न कर सका इसकी, जिम्मेदार हूं मैं इसका। खुद को जिम्मेदार ना ठहराए भाई, आपने चाचा का फर्ज भी अदा किया और सरदार का भी। मैं दुनिया में भी गवाही देती हूं और आखिरत में भी। एक नहीं हजार अलबास्ती भी आ जाए तो मेरा सर नहीं चुका सकते। मेरे एक नहीं हजार बेटे भी होते तो उन्हें इस मुकद्दस मकसद को पूरा करने के लिए कुर्बान कर देती। क्या आपको लगता है कि बेटे की शहादत की वजह से उदास हुए? इस दर्द को अपने अंदर दबा दूंगी भाई। आज से मैं शोक नहीं मनाऊंगी, बल्कि आज से मेरी जिंदगी इंतकाम के लिए वक्फ है। ये अलबास्ती ने किया है या किसी और ने? लेकिन उसने वो काम कर दिखाया जो हम चाहते थे बहुत अरसे से। अब मैं देखूंगी उसकी सरदारी। अर्तुरुल अपने भतीजे तक को तो बचा नहीं पाया, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उसको। वो सलजान नागिन इसी की मुस्तहिक थी।
अर्तुरुल की सरबराई, उसके सिपाही और उसके लोग सबके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। वो उस दरख्त जैसा हो गया है जो बंजर मैदान में तनहा खड़ा होता है। जैसा उसने किया वैसी ही मुसीबत मोल ली उसने। लेकिन अलबास्ती नाम के इस आदमी की इतनी पहुंच है कि वो अर्तुरुल के औताक तक भी रसाई रखता है। तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी कि उसके हाथ को ना रोके? मैं कदर करती हूँ उन लोगों की जो फर्ज निभाना जानते हैं, खासकर हमारे दुश्मनों का शिकार करके। बस अब बहुत हो गई अलबास्ती की बातें। उस अलबास्ती को जो भी करना है वो करता रहे, अर्तुरुल के कमजोर पहलुओं को निशाना बनाना हमारा हदफ होगा। क्या करना चाहते हैं आप भाई? अर्तुरुल की ताकत उसके भरोसामंद लोग हैं। अगर एक एक करके उनका ताल्लुक तोड़ दें तो अर्तुरुल कुछ भी नहीं कर पाएगा। कैसे होगा ये भाई? बंसी की खातून हफ्सा, उसके करीब होना होगा तुम्हें। जितने तुम उसके कान भरोगी उतना ही वो बंसी को बरगलाएगी। और ये सब कैसे करना है तुम अच्छी तरह से जानती हो। आप बेफिक्र हो जाएं भाई, उसका भरोसा जीतने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी। मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ बतूर सिपाही। सरदार, कमांडर एलन जग ने यह मक्तूब भेजा है। वाह वाह वाह, क्या हुआ सरदार? अलंजक की आंखें बिलाखिर खुली गईं। गद्दार इस वक्त कहां छुपा है उसे सुराख मिल गया है। लेकिन कैसे सरदार? वो तमाम अहकाम जो हम समझते थे कि हलाकू खान की तरफ से हैं, वो दर हकीकत एक जाल थे। ऐसा कौन कर सकता है सरदार? कौन हो सकता है वो आखिर? मुझे लगता है कि अर्तुरुल ही सबके पीछे हो सकता है। सिपाहियों से कहो कि एक अहम मुहिम के लिए तैयार हो जाएं। उस गद्दार को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। सुलेमान की जिम्मेदारी से वो लोग अच्छी तरह वाकिफ थे और यहां तक मालूम था कि वो कब रवाना होगा। हुक्म देने वाला अलंजक था। अलंजक को सब मालूम था कि अलबास्ती ये काम करने वाला है। अलबास्ती सुलेमान के फरीजे से पहले ही वाकिफ था तुर्कुत। ये कैसे हो सकता है भाई? अलबास्ती क्या अलंजक के साथ हमेशा होता है? वो बहुत अरसे से यहीं है बमसी सोत में। वो साय की तरह हमारे साथ रहा लेकिन हम ढूंढ ना सके उसे। अलंजक ने शरायत कबूल की और कहा कि वो मेरी ताकत जान चुका है और ये कि वो कहकर उसके ताकुब में आया था, लेकिन ये सब झूठ है। अभी अलंजक कहीं छुपा हुआ है और मुझसे जंग की तैयारी कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि अपनी ताकत बढ़ा सके और अलबास्ती इस दौरान अपने हरबे इस्तेमाल करके हम पर हमले करता रहेगा। अगर अलंजक का खुफिया मकाम हमें मिल गया तो अलबास्ती भी हमें मिल जाएगा। जो निशानियां मिली हैं वो वाज़े हैं। वो कौन हो सकता है भाई? बेबोलाद सरदार, क्योंकि अलंजक के सबसे नजदीक वही शख्स है। वो उससे राब्ता जरूर करता होगा। अगर वो ये बात जानता है और फिर भी हमसे ये सब छुपा रहा है तो बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। मेरी नजरें इस वक्त पूरी तरह से अलंजक पर हैं। अलबास्ती और अलंजक के दरमियान कोई फर्क नहीं, ना उसके लिए और ना उसके कबीले के लिए कोई माफी है।
मार्गिन को पैगाम भेजो, अलंजक कहां है मालूम करें। जो आपका हुक्म भाई, जो आपका हुक्म। कमांडर अलंजक ने मकतूब भेजा है, इसे हलाकू खान तक पहुंचाना है जितना जल्दी मुमकिन हो सके। कमांडर अलंजक का हुक्म सबसे बढ़कर है। मैं इस मकतूब को बजाते खुद पैगाम रसा तक पहुंचाऊंगा। अर्तुल की मौत अलबास्ती के हाथों हो, यही उसकी शान के मुताबिक है। कमांडर अलंजक का हलाकू खान को लिखा जाने वाले खत किसे देने वाले थे, सब तफसील बताओ ताकि अलबास्ती जान सके। अलबास्ती क्या ये अर्तुरुल को देने वाले थे तुम? हाँ बताओ बताओ, वरना तुम आओ करीब आओ, तुम्हारे कान में बताता हूं सब। बुजदिल इंसान, तुम इतने बुजदिल होकर बेकसूरों की जान लेते हो और अपना चेहरा दिखाने से डरते हो। मुझसे एक लफ्ज भी नहीं उगलवा सकते तुम। मेरे हाथ तलवार की धार से ज्यादा तेज है। बताओ मुझे, क्या ये मकतूब अर्तुरुल के पास ले जा रहे थे? अगर आसान मौत चाहते हो तो जल्दी बताओ मुझे। मुझे तुम जैसे सफाक कातिल का अंजाम ना देखने का अफसोस रहेगा। बांधो इसे, अभी मुझे और कमांडर अलंजक को इससे बहुत कुछ जानना है। तुम्हारी शादी का अरमान तुम्हारी शहादत में बदल गया मेरे बच्चे।
ताई जान, जानता हूं कि हम सुलेमान भाई की जगह कभी नहीं ले सकते और ना ही उनकी कमी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप हमें अपने बेटे ही समझें। मेरी जान उस्मान, बहादुर उस्मान, तुम लोगों को कभी अपने बच्चा से कम नहीं समझा। عليك يا سيدنا وسندنا ومولانا الله. वक्त हो गया है भाभी। क्या लहद की मट्टी मेरे बहादुर का इंतजार कर रही है भाई? अजल के आगे कोई जोर नहीं किसी का, फानी दुनिया किसी की नहीं। से भाई उस्मान, सिपाहियों
खानों के खान हलाकू खान के कमांडर के साथ खेलने की सजा मिलेगी तुम्हें। बताओ ये मकतूब किसे देने वाले थे तुम? अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक मामूली नहीं बल्कि बासलाये जासूस हूं तो अंदाजा कर लो मेरी जबान खुलवाना कितना मुश्किल होगा। अगर तुम भी मुझे जानते हो तो ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं पहाड़ों को रेजा रेजा कर देता हूं। हर कदम तुम अपनी मौत की जानिब बढ़ रहे हो अलंचक। मरोगे तुम सब मरोगे सब के सब। किसके कहने पे ये सब कुछ किया बताओ बताओ? हलाकू खान के मकतूब किसने तब्दील किए? और त्रुल ने? तुम्हारी रगों में खून नहीं खौफ दौड़ रहा है अलंचक। खौफ तुम जैसा हलाकू खान का अजीम और ताकतवर कमांडर क्या हाल कर दिया हमने उसका। तुम सऊद के सिर्फ मुट्ठी भर सिपाहियों से खौफ सदा हो गए। तुम सब बहुत जल्द मार जाओगे। एक भी नहीं बचेगा तुम में से। जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी है मगर हम झुके नहीं। गद्दार हमारे दरमियान शामिल हो गए, पीठ पीछे वार किया उन्होंने लेकिन नाकाम हो गए। जो लोग हमें डराना चाहते हैं वो सुन ले मेरी बात। हमने शहादत को अपने अव्वलीन रास्ते के तौर पर चुना है और इसी पर चलेंगे। हमने जिस शहीद को दफन किया वो शहीद उस आबे हयात की तरह है जो नई जिंदगी बख्शता है हमारे मुकद्दस फरीजे को।
एक बहादुर जमीन में जाता है तो हजार बहादुर पैदा हो जाते हैं। मैं कसम खाता हूं कि अगर मैं उन गद्दारों से अपने भतीजे का इंतकाम न ले सका तो मेरी यह तलवार मेरे ही बदन में जाकर मेरे अपने खून से खुद को रंग देगी। दुश्मन नहीं बचेगा इंतकाम से, 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 दुश्मन नहीं बचेगा इंतकाम से। अलंजक ने हमसे झूठ कहा कि वो यहां से जा रहा है, लेकिन वो गया नहीं, यहीं कहीं छुपा है। अर्तुरुल भाई, मार्गिन अलंजक को बहुत जल्द तलाश कर लेगा। अर्तुक भाई, क्या उसे पता होगा कि मंगोलों के जासूस अब भी यहां मौजूद हैं? हलाकू खान की जानिब से एक हुक्मनामा लिखेंगे, वो हुक्मनामा अलंजक को पहुंचाया जाएगा। मार्गिन जब वो लेकर जाएगा तो उस जगह का पता चल जाएगा और वो हमें उसका ठिकाना बता देगा। क्या अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ बंसी। भाई, मार्गिन के पास जो मैंने सिपाही भेजा था उसने खबर भेजी है हमें, मार्गिन वापस नहीं आया। भाई, क्या मतलब इस बात का? क्या सिपाही ने सुबह तक का इंतजार किया था? किया था भाई, किया था। जहां पर वो रह रहा था मैंने वहां पर भी सिपाही भेजे थे, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला उन्हें। भाई, ये अच्छी अलामत नहीं है कि मार्गिन वहां नहीं पहुंचा। अर्तुरुल भाई, अगर मैं किसी दिन मुलाकात की जगह पर ना मिलूं और मेरी कोई खबर ना मिले तो समझ जाइएगा राज खुल गया और मुझे शर्फ शहादत नसीब हो गया होगा। भाई भाई, क्या उसे कोई जिम्मेदारी दी है आपने? ऐसा नहीं है बंसी, मार्गिन पकड़ा गया है। इसके पीछे अलंजक का ही हाथ हो सकता है। बहुत जालिम इंसान है, मार्गिन पर तशद्दुद की इंतहा कर देगा वो। वो हमारी जिम्मेदारी है बंसी, हमें मार्गिन को तलाश करना होगा किसी भी सूरत में। सिपाही तैयार करो अपने, तुरगुत से कहो कि मिले मुझसे जल्दी। जी ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म। तुम्हें मार मार कर मेरा कोड़ा जवाब दे गया। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो तुम्हारी ही खाल से एक नया कोड़ा बनाऊंगा मैं। अब जल्दी बताओ, तुम्हें अर्तुरुल ने हमारे दरमियान कैसे दाखिल किया? गलत घोड़े को जीन लगाने की कोशिश कर रहे हो अलंजक, तुम मुझसे कुछ भी नहीं जान सकोगे। मेरा और अर्तुरुल का कोई ताल्लुक नहीं है और मैं मंगोल भी हूं। तुम्हें कैसे मंगोल हो जिसका खून गंदा है? दुनिया पर हुकूमत करने के बजाय तुम उसके गुलाम बन गए जिस पर हम हुकूमत करते हैं। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि तुम्हारी कई बातों पर यकीन कर लूं। बताओ जल्दी, और
तुरुल ने कैसे तुम्हें हमारे दरमियान भेजा और कौन है जो उससे मिला हुआ? क्या क्या मालूमात हासिल की है बताओ मुझे, हर बात बताओ। क्या का वो सर वो संदूक कहाँ है बताओ मुझे। अगर एतराफ कर लोगे और अगर मुझे तमाम तफसील बता दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। हो सकता है तुम्हें अपने सिपाहियों में भी शामिल कर लूं। तुम्हारा गंदा खून साफ करने का पूरा मौका दूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम ज्यादा जानते हो तो खामोश हो। मेरा अर्तुरल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो कुछ जानता था मैं बता दिया। उस अर्तुरल को क्या क्या मालूमात फराम की है हर एक बात मालूम करके रहूंगा तुमसे। खोलो इसे। हम इसे कप्लान आजी लेकर जाएंगे। वहां इसे अल्बिस भी तलाश नहीं कर पाएगा। अगर नहीं बताया तो इससे भी बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। मैं तुम्हें असल रेकोस से मिलवाने आया हूं। बाबा को कत्ल तुमने किया और मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। ये वक्त आपस में मुत्तहिद रहने का है, इसी में सबकी भलाई है। बाजी और मैं आप लोगों के लिए खाना लाए हैं। वो तमाम तुर्क कबाइल से हमारी हिफाजत के लिए राजी हो चुका है। मैं ये मौका जाया नहीं करना चाहता। अर्तुरुल आज इस किले में आएगा और मारा जाएगा। लेकिन वो मुखबर अब अलंजक के पास है। अगर उसने जबान खोल दी तो जल्द या बदेर हमारा इत्तेहाद सामने आ जाएगा और ये मालूम होते ही अलंजक तबाह कर देगा यह किला।